तो यार आप सभी का स्वागत है डेज गॉन के पार्ट नंबर 44 के अंदर। इस वीडियो के अंदर पिछली वीडियो में देखा जब हमने काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें की थी, भर भर के हमने नीरो चेक पॉइंट्स, इन्फेस्टेशंस, पता नहीं क्या क्या कर दिया। उसके अलावा हमने इसके इंकैपमेंट जॉब वगैरह भी की थी, अगर शायद से मैं सही हूँ तो। सो अगर अभी हम स्टोरी लाइन्स में देखें, हमारे पास स्टोरी लाइन के अंदर मेन तो डायमंड लेक कैंप के अंदर बाउंटी हंटर स्टोरी लाइन है, जो बेसिक एंकैपमेंट जॉब जो है हमारी। उसके अलावा हमारे पास दो इन्फेस्टेशन, एक वर्ल्ड सेंड भी है, और एक ये चीज़ बढ़िया दिखी मुझे कि यहाँ पे एक कुछ एक्स्ट्रा नेस्ट्स हैं। ये देखो, साउथ ऑरेगन क्रायर इन्फेस्टेशन नेस्ट। सो मैंने थोड़ी रिसर्च की इसके बारे में, क्योंकि ये जनरल इन्फेस्टेशन के लिस्ट में नंबर नाम नहीं आता इसके अंदर। अगर तुम देखोगे जैसे कि हाईवे 97 के अंदर देखोगे तुम, तो इन्फेस्टेशन है इसके अंदर। उसके अंदर दो इन्फेस्टेशन है, लेकिन एक इन्फेस्टेशन ये रही उसकी और दूसरी इन्फेस्टेशन ये रही। तो ये जो क्रायर्स है, ये साउथ ऑरेगन क्रायर इन्फेस्टेशन नेस्ट जो है, ये आपकी नॉर्मल इन्फेस्टेशन नहीं है। ये बेसिकली आपके जॉम्बी क्रोस की स्पॉन पॉइंट्स हैं। हम इनको कंप्लीट हटा देंगे तो फिर एटलीस्ट जॉम्बी क्रोस हमारे पीछे नहीं पड़ेंगे, वरना आप ट्रैवल करते रहो वो आपके पीछे और नॉन स्टॉप पड़े रहेंगे, आप कुछ कर ही नहीं सकते उनका। ठीक है, तो हमारा मेन फोकस अभी क्या रहेगा, इन सभी नेस्ट को तबाह करना, यहाँ से शुरू करेंगे। तो यार शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी गड़बड़ के। उसके अलावा मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो को एंड से पहले मैं एक बार बाउंटी हंटर भी कर लूँ। सो आखिरी का 15 मिनट हम बाउंटी हंटर करेंगे और बचे हुए टाइम बाकी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें करेंगे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें एक साथ अनलॉक हो गई हैं। चलते हैं। Colonel, sir, reporting in. It's, well, oh, Jesus, it wasn't easy. But I got her out. Lieutenant Norwood is out. Good work, Corporal. Send a patrol out now. She said she could make it on her own, so, I'll radio in later, make sure she made it. St. John out. Take care. ये देखो, उस पर सारे जॉम्बी क्रोज हैं। भागो। Let's go. Yep, burn in hell. दूर भागो अभी के लिए। डन, गए सारे। गया। Come on. भाई साहब एक सेकंड रुको, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। ये देखो मिनी मैप पे देखोगे यहाँ पे एक प्लांट होना चाहिए, नहीं है। इसका मतलब ये है नीचे कोई केव एरिया है, अगर मैं सही हूँ तो। तभी यहाँ पे मैं एक सेकंड, शायद नहीं, दोबारा चेक करता हूँ। ये रहा। नहीं नहीं कुछ नहीं था, है फॉल्स अलार्म। नेक्स्ट लोकेशन यहाँ पे वो रहा, हमारे ऊपर हमला होने वाला है। Gotta be close to the nest. भागो। ठीक है, गुड नाइट। देयर्स अनदर नेस्ट, लेट्स बर्न इट अप। और कोई तो नहीं दिख रहा मुझे। ये देखो क्राय बीक हमें मिल रही है यहाँ पे, नाइस। नेक्स्ट लोकेशन जो पास में है वो है हमारी ऊपर हाईवे के ऊपर, तो वहां चलते हैं। Colonel, sir, just checking in on Lieutenant Norwood. Corporal, I've just read her report. She claims that you took on an entire drifter camp single-handedly. Well, I wasn't about to leave her in there alone, sir. Very good, Corporal.
Captain Curry has put your name in for a promotion. I'm beginning to see why. नहीं शायद से नीचे है वो री भागो हाथ के थी भागो बिना रुके भागो आ जाओ जिसको आना है हो गए At last. हमेशा प्लांट्स वगैरह लेते हुए चलो हमारी अच्छी खासी इनकम होती है इससे अच्छा हाँ नेस्ट एसिडी भी तो हमें दोबारा से इकट्ठा करने पड़ेंगे सारे मैं अभी भी बहुत गुस्सा हूँ कि हमारे सारे के सारे रिसोर्सेज चले गए उस टाइम पे ठीक है अब हमें करना होगा तीन और है यहाँ पे तो एक हाथ के थी क्रिएट और कर लेता हूँ मैं और बैक टू बैक सारे के सारे करेंगे यहाँ पे अब पहले क्रायर नेस्ट करेंगे क्योंकि भाई वो ज़्यादा खतरनाक है देख रहे हो I smell it. Gotta be getting close. I smell the nest. Bhago yahan se. Bhai, kitne nest hai? Teen teen nest hai kya? Where is it? God damn it. It's gotta be close. Gotta be close to a nest. Nest. Gotta be right around here. There's another one. Time to burn. Another one. Yeah, time to light it up. भाई साहब, देख रहे हो? कितने सारे नेस्ट एक साथ थे? Nice. गया एक और नेस्ट दिखा पहले इसको जलाते हैं I smell it. It's gotta be getting close. Bora. हाथ क्या थी इस वाले को चलाते हैं नेस्ट ओप्स भागो नॉन स्टॉप भागो ये जलाते ही एटलीस्ट अगर हम मरेंगे भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी गेम सेफ हो चुका होगा बस पहुंच गए यहीं पे तो स्टैमिना का मजा आता है हो गया नाइस इसी के साथ कैस्केड लेक्स रेल लाइन इंफेस्टेशन पूरा होता है बढ़िया डन गॉडडैम फ्रीक्स नाउ इट विल बी सेफ एंड राइट थ्रू हियर जैसे कि मैंने कहा था स्किल पॉइंट का पहले हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे या फिर कर चुके हैं रेंज कॉम्बैट में भी अभी यहाँ पे कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो मेरे ख्याल से अभी ये वाला बेटर रहेगा ना कि ये वाला क्योंकि हम देखो कॉकटेल्स अभी फिलहाल इस्तेमाल कर नहीं रहे तो उसके अलावा बाकी सारी चीज़ों पर इस्तेमाल करेंगे अभी
अगला फिर हम करेंगे डैमेज ऑफ बोथ क्राफ्टेड एंड फाउंड मिली वेपन्स, उसके बाद जनरेट स्टैमिना फॉर एवरी मिली किल, और मेरे ख्याल से ये दोनों बेस्ट रहेंगे अभी के लिए। बढ़िया, जलने दो भाई जितना भी है। कितनी देर लगेगी? हाँ ये भाई नेक्स्ट रेसिड्यू भी चाहिए यहाँ पे। हो गया। चलते हैं ऊपर हम। आ जाओ आ जाओ। ये क्या? यहाँ पे क्या? बढ़िया, बाउंटीज वगैरह के लिए काफी सही रहता है ये। अब चलते हैं बाइक के पास। स्टोरी लाइन को हटाते पहले, तो उसके बाद नेक्स्ट लोकेशन जो अपनी बढ़िया रहेगी वो रहेगी वैसे तो ये, लेकिन उससे पहले मैं एक बार फ्यूल भरना पहले चाहूँगा, उसके बाद फिर यहाँ के करेंगे। बाय बाय। ये क्या? ठीक है, हाथ कहती है यहाँ पे मेरे ख्याल से रेसिड्यू भी मिलेगा। ये रहा, थोड़ी बहुत एमओ भी मिल जाएगी, यहां से ले लेते हैं। यस, नाइस, फाइनली, जीसस। ठीक है, यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। मज़ा आ गया वैसे एक साथ इतने सारे नेस्ट वगैरह कंप्लीट ख़त्म करने का, अलग ही मज़ा है। लेकिन अब रिसोर्सेज वगैरह काफ़ी कम हो गए अब हमारे, तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। एक बार दोबारा से ही करते हैं। ना इसमें ख्याल से अब इसके बाद ज़रूरत नहीं है। लोकेशन जानी है हमें यहाँ पे, वो करते हैं, और आसपास के जो हिस्टोरिकल मार्कर्स है वो भी करेंगे। ओ भाई ब्रेकर निकल गया, निकल गया, निकल गया, शांति से निकल गया। रुको और एक सेकेंड, पास में ही है ऐसे तो यहीं पर है। नहीं नीचे है। वो रहा, चांसेस है यहाँ पे होर्ड्स आ सकते हैं, तो हम सप्रेसर का इस्तेमाल करेंगे। One of the camps can use this. बढ़िया, सीधा प्लस 5 वुल्फ मीट मिलते हैं अब तो। यहाँ जनरली होर्ड्स वगैरह के चांसेस होते हैं, तो आहिस्ता करो जो करना है। Another narrow quarter.
2020. Examining a specimen. Another narrow injector. Good. Ranger Bear. That's what the drifters call them. Always good to know the local colloquialisms. Thank you. Subject is continuing. Why was I trouble concentrating? Gain mass at an accelerated rate. Weight estimated at 400 kilograms. Up 20% from our last measurement. That's a big bear. This isn't a bear, Corporal. Not anymore. My old man? He used to hunt them. Not here, but in Northern California. He told me about the record for largest black bear ever killed. I can't wait. In Baltimore, 1972. पहले हिस्टोरिकल मार्कस वहीं पे जाना है, लोकेशन तो वही है। यहाँ पे दो दो पेट्रोल पंप्स है, देख रहे हो, एक और दूसरा, और यहाँ पे एक और हिस्टोरिकल मार्कर भी है। फिर एक काम करेंगे, इस पूरे एरिया को भी कंप्लीट करेंगे, और यहाँ पे मेरे ख्याल से एम्बुश कैंप ज़रूर मिलेगा, वो भी करेंगे, और फिर जाएंगे वापस। ठीक है, चलते हैं। You could have killed it, so it's not out here trying to fucking eat us. ठीक है, थोड़ा सा और आ गया। यहाँ पे थोड़े हिस्टोरिकल मार्कर्स वगैरह भी मिलेंगे हमें, तो अच्छा रहेगा। That's kind of interesting. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पे कोई होड है। चांसेस तो है। अगला है यहाँ पे, फिर उसके बाद जाएंगे एक बार पेट्रोल भरेंगे, और उसके बाद चलेंगे यहाँ पे इस वाली इन्फेस्टेशन को करके सारी इन्फेस्टेशंस करेंगे। ठीक है, वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे पास उतने रिसोर्सेस हो तब तक के लिए। मेरे ख्याल से यहाँ होड है, बोरा दिख गया, तो दूर भागे तो अच्छा रहेगा। ये पूरा एरिया होड के हिसाब से तैयार किया हुआ है। खैर, हम थोड़े रिसोर्सेज वगैरह इकट्ठे करते हुए चलते हैं, क्योंकि हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहिए वो। ओ, टूरिज्म कलेक्टेबल, बढ़िया। मुझे पता नहीं था यहाँ पे मिलेगा। उसके अलावा यहाँ कुछ नहीं, यहाँ और कुछ नहीं है। यहाँ ऊपर कुछ रिसोर्सेज है शायद। बॉटल्स वगैरह नहीं है क्या? मुझे बॉटल्स, मेन तो बॉटल्स चाहिए मुझे। ऑक्सीजन टैंक्स। ओ भाई। These would blow up pretty good. ये पूरा होड़ की तैयारी हुई है भाई यहाँ पे। ये क्या सीन है? फ्यूल कैन यहाँ अंदर रिसोर्सेज मिलेंगे थोड़े। मेन मुझे बॉटल्स चाहिए। ओ, एक और टूरिज्म कलेक्टेबल। हमें ट्रॉफी मिली है द ब्रोकन रोड शो फॉर अनलॉकिंग 75% ऑफ द कलेक्टेबल्स। क्या बात है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था बैक टू बैक दोनों के दोनों मिल जाएंगे हमें। खैर अच्छा है। नहीं, एक सेकेंड रुको, ये दूसरा एरिया है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से टोटल, हाँ, 7 टूरिज्म कलेक्टेबल्स है। मुझे लगा था सिर्फ 2 ही है, वो दूसरे एरिया में है। ठीक है, यहाँ और कुछ भी नहीं है, चलते हैं बाइक के पास। Here we go.
ठीक है, अब हमें जाना है यहाँ पे। चलते हैं। ओह नो नो नो, क्या हुआ? भाई साइड में होड़ है हमारे। भाई साहब रैक्स रैग इन्वेंटरी फुल, तो फिर एक बार बैंडेज का इस्तेमाल कर लेते हैं। और कोई ये मेनली जॉम्बीज के अगेंस्ट के लिए था। मुझे मेन जाने यहाँ कुछ रिसोर्सेज वगैरह है क्या? नाइस बॉटल्स। बढ़िया कैरोसिन। चलते हैं बाइक के पास। चलते हैं अब, एक्चुअली पास में ही है। जहाँ से चलना होगा बस। उप्स उप्स उप्स। बच गए। Quick save. Learn something new every day. ठीक है, उसके बाद हमें अब चलना है यहाँ पे। वैसे हिस्टोरिकल मार्कर्स देखे, दो और बचे जिसमें से एक हमें ऑलरेडी पता चल चुका है यहाँ पर है। दूसरे की लोकेशन बिल्कुल भी अभी आइडिया नहीं है हमें। क्या जब दिखेगा तब हो जाएगा। अभी हम लगातार इन्फेस्टेशंस करेंगे, और जब एक बार हो जाएगी हम और इन्फेस्टेशंस नहीं कर सकते तो उसके बाद ही हम चलेंगे नेक्स्ट एरिया में। हमारे पास अभी वैसे टाइम तो है। यहाँ ऊपर से चलते हैं। ठीक है, और यहाँ साइड से। निकल गए भाई। वैसे गुज्जू का होड़ वाले एरिया के अंदर ध्यान से करना बड़ा जरूरी होता है। बड़ी आसानी से बैठ बसती है आपकी। अरे यार नहीं 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 भाई साहब बैंड बजा दी। चलो सर, वो दिख रहा है मुझे। रुको पहले उतरते हैं और सारी मोलोटॉप्स का बोलो क्राफ्ट करते हैं जितनी कर सकते हैं। उस हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, पांच काफी हैं।
चलो जल्दी से। Where is it? God damn this. That's gonna be close. हो गया? हो गया। भाई साहब बढ़िया। अब यहाँ चलना है। एक सेकंड, आवाजें कैसी आ रही हैं? यहाँ से आ रही है। ओ, ये तो बड़े वाला बंदा है। वैसे देखा जाए फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है बड़े वाले बंदों की। छोड़ा फिर उनको, मुझे लगा था कोई अगर वो बंदा है जिसको हम बचा सकते हैं तो ज्यादा बेटर रहता। निकल गए। अब बाकी इन्फेस्टेशंस को देखते हैं कैसे करते हैं। Another nest zone. I gotta... ठीक है, नीचे है। भागो भागो भागो, हाथ क्या थी, चलना है हमें, यहाँ पे रुकना ही नहीं है। रुक गए तो गए। ये भी नीचे ही है। उफ़, ये तो होड है पूरा। तो भाई करना होगा हमें, भागो, दूर भागो जितना हो सके। किस्मत अगर अच्छी रहेगी तो होड़ हमारे पीछे नहीं आएगा। होड़ नहीं आ रहा, वो ये आ रहा है। भागो, आ रहा है भाई, होड़ आ रहा है। मुझे लगा था मैं निकाल लूंगा लेकिन नहीं निकाल पाया। भाई रुकना ही नहीं है। अब दौड़ो, निकाल गए, निकाल लिया भाई, निकाल लिया, निकल गए। भाई, अरे भाई, क्विक सेव डन। अगली लोकेशन, टोटल तीन और बचे हैं, यहाँ पर है। उससे पहले तीन तैयार कर लेते हैं। अरे क्राफ्ट नहीं कर सकते, सॉरी, ये वाला हो गए, सारे क्राफ्ट हो गए। इसीलिए मैं कहता हूँ रिसोर्सेज इकट्ठा करते हुए चलो पूरे, कब नहीं पता कब कहाँ ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है, निकलो निकलो। भाई बहुत ज़्यादा किस्मत अच्छी थी मेरी अभी यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें फिर दौड़ के काम करना पड़ेगा। ये क्या सीन है? ये क्या सीन है भाई? क्या ये कोई एक ऐसी एरिया है जहाँ पे हम अभी एक्सेस नहीं कर सकते हैं? देख के तो यही लग रहा है। देखो पूरा एक कंपाउंड है ये, इस जगह भी एक्सेस नहीं है हमारे पास। शायद यहाँ बाद में आएंगे हम। हाँ अभी हम नहीं कर सकते इस एरिया को। क्या ये कर सकते हैं हम? हाँ कुछ नहीं कर सकते अभी हमारे पास, तो हिस्टोरिकल मार्कर ही करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हम फिर एक काम करेंगे, हम यहाँ से होते हुए जाएंगे और इन दो क्रायर नेस्ट को करेंगे या तो।
और फिर ये लोकेशन सही रही तो ये तीन भी कर लेंगे। पहले हम कर कितने सकते हैं, मैक्स आउट करते हैं पूरा क्राफ्ट, ठीक है टोटल चार कर सकते हैं अब हम। सो यहाँ तीन वाले तो नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पे टोटल तीन और तीन है, तो ये तीन इन्फेस्टेशन कर लेंगे, यहाँ पे जब हम आएंगे तब वो कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट लोकेशन है यहाँ पे, हाथ कहती ये एक हिस्टोरिकल मार्कर भी हो जाएगा। वैसे मैं दोबारा से बाद में आऊँगा इस जगह पे, स्पेसिफिकली एम्बुश कैंप वगैरह के लिए अभी नहीं कर रहा हूँ मैं, काफ़ी टाइम से हम एक्स्ट्रा चीज़ें कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अब मेन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना बेटर रहेगा। और मैं बड़ा खुश हूँ, मैंने काफ़ी चीज़ें कर ली हमने पिछली वीडियो में भी इस वीडियो में भी, और भाई किस्मत अच्छी थी होट से भी बच गए। क्विक सेव, अब हमें जाना है इस वाली जगह पे, और बाय चांस कुछ ऐसी लोकेशन जो दिख जाए। नहीं कई बार जीपीएस भी बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, ठीक है। उप्स, उप्स, उप्स। गलत जगह, गलत जगह, यहां से ये थोड़ा रिस्की एरिया है। उप्स, उप्स, उप्स। यहाँ पे कोकर एक, गया बढ़िया, प्लस फोर कोकर मीट। तो मेरे ख्याल से कभी प्लस फोर मिलेगा कभी प्लस फाइव, ऐसा कुछ सीन है क्या, क्योंकि लास्ट टाइम हमें पांच मिले थे, इस बार सिर्फ चार ही मिले हैं। वैसे कुछ को एरिया खतरनाक बड़ा है, बैंड बच जाती है, बस पहुंच ही गए, ज्यादा दूर है नहीं। यहाँ पे हम क्रैश को थोड़ा सा इग्नोर करते हुए चलने की कोशिश करेंगे, सो मे बी यहां से उम्मीद करते हैं बच जाए। उप्स, 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 उप्स। I smell it. It's gotta be getting close. निकल गए, शायद शायद निकल गए, शायद निकल गए। ओ यहाँ पे तीन तीन है, देख रहे हो यहाँ पे तीन तीन है, तो पहले यहाँ चलते हैं, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। टोटल वैसे है कितने यहाँ पे हिस्टोरिकल मार्कर्स, टोटल नाइन है, जिसमें से हमने सिर्फ एक ही किया। ठीक है निकलो निकलो, निकल गए, क्राइस अब हमारे पीछे नहीं आ रहे। ठीक है वैसे देख रहे हो खाई है पूरी यहाँ पे, और वो लोकेशन है नीरो रिसर्च साइट एक, वहाँ पे वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे ये ज़रूर मुझे जानना है। ठीक है अब यहाँ से इधर ध्यान से भाई, गलती से भी गिर ना जाना, इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। और वो रहा अपना बेस, मिलिट्री बेस। वैसे तो अभी हमारे पास 64% है, यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे,
लेकिन यहाँ पे हम वो कर सकते हैं, हाँ यहाँ कर सकते हैं हम एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बार फ्यूल भर लेंगे, उसके बाद फिर आएंगे। ठीक है, अभी के लिए मेन तो ये देखना है कि यहाँ पे कैसे करना है। और अभी यहाँ पे एक हिस्टोरिकल मार्कर है, ठीक है। ध्यान से चलना है वैसे। यहाँ पे मुझे वेजिटेशन काफ़ी ज़्यादा दिख रही है, तो चांसेस है कि शायद कुछ एक ऐसा वो मिल जाए जो अभी तक हमें मिला नहीं है। नहीं, यही मिल रहा है यहाँ तो, बस ब्लू कैमस और कुछ नहीं है यहाँ पे। तभी एक बार और ट्राई कर लेते हैं, शायद कुछ नया मिल जाए। बिस्टॉट नहीं, और कुछ तो यहां से सीधा निकलते हैं। ठीक है, और इसी के बाद हमारे पास क्विक सेव, नेक्स्ट लोकेशन हमें जाना है यहाँ पे। ओ, ये इंटरेस्टिंग है, लेकिन मुझे लग रहा है हम यहाँ से भी जा सकते हैं, ये एरिया यहाँ से भी है। चलते हैं फिर, अगर बाय चांस बीच में फ्यूल वगैरह दिख जाए तो अच्छा रहेगा। असल में क्राइस वाले, उप्स रुको, एम्बुश है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक बंदा स्क्रैप। स्ट्रायलाइजर्स, बाय बाय सर। स्ट्रायलाइजर्स पता है क्या, एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं बैंडेज। रैक्स, स्टाइलाइजर्स, यहाँ पे भी था ना इसके पास कुछ। ठीक है, यहाँ और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। डॉक्टर, ये क्या है, डॉक्टर है। स्ट्राइलाइजर्स, ठीक है, यहाँ और कुछ ऐसा नहीं है। जल्दी से चलते हैं अब बस। वैसे भाई बैंड बच जाती है अगर मैं सही से नहीं देखता, वो किस्मत अच्छी थी इस मामले में। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पे। Yeah, that's right. I gotta burn out the rest of these nests. ठीक है, I smell a nest. Gotta be right here. भागो।
अगला है यहाँ पे बिना रुके चलो अब आओ भाई साहब कितने सारे बंदे थे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है होड़ यहीं कहीं निकलेगा हाँ gotta be close to a nest. ये रहा I can smell it. There's another nest. भागो इसी के साथ ये वाला नेस्ट भी पूरा होता है भागो बिना रुके बढ़िया 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 भागो 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 फिनिश्ड शुड बी लेस फ्रीक्स अराउंड हियर नाउ अब हमें चलना चाहिए यहाँ पे क्योंकि हमारे पास इसके लिए फ्यूल बचा नहीं इतना शायद से हम यहीं से जा सकते हैं शॉर्टकट पड़ेगा हाँ बच गए अब फ्यूल कैन कहाँ पे होगा रैक्स ये रहा फ्यूल कैन उसका सीधा फास्ट ट्रैवल करेंगे तभी हम कर पाएंगे उस वाली क्वेस्ट लाइन को वरना फिर नहीं कर पाएंगे कंप्लीट ठीक है फास्ट ट्रेवल चलते हैं वैसे कितने पैसे हमारे पास यहाँ पे अभी जाके पता चलेगा हाँ हमारे 5,000 है ठीक है हम थोड़ी बहुत खर्च कर सकते हैं चीजें पहले एक बार ये सारे सेल करते हैं बाउंटीज मजा आएगा डीकन सेंट जॉन यू आर द बाउंटी कलेक्टर अराउंड हियर यस ऑफ कोर्स वी वेलकम एनीवन हु विल वर्क टू मेक द एरिया सेफ गुड गुड ओ ओके गुड बाय कॉर्पोरल सेफ ट्रैवल ठीक है सो हाउ लॉन्ग वर यू इन द सर्विस आई मीन I missed the swearing in, but I can always tell when someone served. You know what I mean? 4 years, 10th Army, Afghanistan. And like I told the colonel, I hated every goddamn minute of it. How about you? Yeah, you got the eye for it too, huh? Me? No, nothing so grandiose like you. National Guard, 8 years. Actually kind of loved it, you know, pushing pencils and Salem and playing soldier on the weekends. But you're the real deal. We all did our part. Yeah, we did it that. That is true. ठीक है सो इसके इसका मतलब ये है हमने मेन बेस के अंदर 15,000 कर दिए है हमारे क्रेडिट्स और इस वाले बेस में 6,000 क्रेडिट्स है मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं वहाँ पे अभी Corporal. So, where are you from, Lucas? Was it? I can't place your accent. That obvious. Yeah, from Canada, originally. Yeah, I was down here on holiday with the family. Yeah, doing a bit of camping out, you know, west of Crater Lake.
So wife and kids, my boys would have been 8 and 9 this year. Canada, huh? You're a long way from home. Ah, tell me about it. Yeah, I was a teacher, engine repair in Calgary, at the Technical Institute. Oh, you ever been? No, I guess not. Anyways, the colonel, he gave me this job, so now this is home, yeah? Yeah. कौन सा बढ़िया रहेगा? ये तो नहीं खरीद सकते हम. सो या डेथ स्ट्रैंडिंग टैंक या फिर डेथ स्ट्रैंडिंग बीबिन टैंक, मेरे ख्याल से ये बेटर नहीं रहेगा. तो अगर ये पूरे टाइम ऐसे ही करता रहेगा तो मेरे ख्याल से ये बेटर है. ये लेते हैं. हमारी फ्यूल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इससे. मैक्स आउट हो चुकी है हमारी फ्यूल कैपेसिटी इससे. मेरे ख्याल से तो वर्थ इट ही है. लेकिन हमारे पास कुछ और खरीदने के लिए पैसे बचे नहीं होंगे. अब पता है क्या, मीट बेचते हैं, फिर देखते कितना बचा है. सो सेल स्टैक बढ़िया. वैसे देखा जाए हमने 1500 ट्रस्ट ऐसी बस ये चीजें बेच के कर लिया इकट्ठा. ये अभी रहने देंगे. पर एक बार मैं सब कुछ मैक्स आउट कर लूँ उसके बाद. जैसे कि यहाँ पे ये मैक्स आउट है, ये मैक्स आउट है. हेल्थ कॉकटेल, फिर ये क्राफ्ट करने की रिक्वायरमेंट है क्या, कर लेते हैं. हमारे पास मेडकिट्स ख़त्म हो रखी है इस टाइम पे. ये पूरा कर लेते हैं. इससे क्या होगा, जो जो रिसोर्सेज अब मिलेंगे हमें उनको मैक्स आउट कर पाएंगे. तो इस वजह से लेते चलो सब कुछ. यहाँ पे और कुछ नहीं है. हमें एक उसकी भी ज़रूरत है इस टाइम पे. क्या कहते हैं उसको, मैं नाम भूल गया एक्चुअली. क्या छोड़ो. I can fill up that tank if you want. Refuel. हाँ, हम समझ गया क्यों हुआ ये. उसके अलावा कुछ और बाय चांस गलती से अफोर्ड कर पाए हम. टायर्स कर सकते हैं. सो टायर्स करते हैं. Good piece of equipment. बढ़िया. Right there. बाकियों के लिए हमारे पास अभी पैसे नहीं है या फिर जो भी है सीन. ठीक है, तो अगर देखा जाए अभी हमारी टोटल 5 गैलन्स हो गया हमारा सीधा फ्यूल. अभी हमारा कुछ 2.something था, 2.75 गैलन्स था, ये 3 गैलन्स से सीधा 5 गैलन्स हो चुका है. तो मेरे ख्याल से तो बढ़िया था ये मेरा डिसीजन मैक्स आउट करने का सब कुछ इसमें. हाँ, मुझे याद है, मुझे मिली वेपन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है अभी. अब कोरी के पास चलते हैं. हमारे पास टाइम कितना है, हमारे पास टोटल 11 मिनट तो नहीं है. पता है कि अगली वीडियो में करेंगे ये. बहुत सब कुछ कर लिया अब हमने. मुझे ये ज़रूर जानने की अभी पूरे टाइम वॉच करता रह गया. ठीक है, एक बात ज़रूर देखनी है मुझे. हमारे पास अगर देखे ऊपर, ओ ये क्या है, नीरो सर्च साइट ना, बाद में करेंगे वो. उसके अलावा और कुछ बाय चांस दिख जाए, नहीं फिलहाल तो और कुछ नहीं दिख रहा मुझे. लेकिन हमने काफ़ी सारी चीज़ें कर ली यहाँ पे. अब हमारे पास, हम इन्फेस्टेशन पूरी कर चुके हैं क्रेटर लेक की, और हमें एक इन्फेस्टेशन पूरी कर चुका है हाईवे 97 की. इस एरिया के अंदर अभी एक्सेस नहीं है, या फिर एक्सेस मैंने ढूंढा नहीं सही से. तो जब एक्सेस मिलेगा तो सही से तब ही करेंगे. उसके अलावा अगर हम देखें फिलहाल कलेक्टेबल्स के अंदर, करेक्टर कलेक्टेबल्स के अंदर देखते हैं कौन कौन से बचे हैं. एल्का, लीसा, आयरन माइक, स्किजो, रिकी, बूजर, लीसा, एडी, कर्नल, ठीक है, कोरी हो चुका है इसका मतलब. ये एक
ठीक है, और जेसी मेरे ख्याल से सैरा वगैरह का बचा है जो बाद में मिलेगा हमें। ठीक है तो यार इसी के साथ इतना ही, अगली वीडियो के अंदर हम करेंगे ये वाला बाउंटी हंटर, और उसका जितना टाइम वगैरह जो टाइम मिलेगा उस हिसाब से करेंगे जो करना है। टोटल साउथ ओरेगन क्रायर इन्फेस्टेशन बची है, शैमुल कॉलेज इन्फेस्टेशन, ये तो इन्फेस्टेशन बची है, इनको अभी हम नहीं करेंगे। अगर उस साइड जाएंगे और हमारे पास ऑलरेडी दो होंगी वो, ये देखो यहाँ पे दो इन्फेस्टेशन है, तीन इन्फेस्टेशन है एक्चुअली, तीन है, तो हमें तीन उसकी ज़रूरत है, क्या कहते हैं मोलोटॉव्स की। अगर तीन मोलोटॉव्स हम क्रिएट कर पाएंगे तो ज़रूर आके मैं कर दूंगा ये, वरना अभी के लिए इसको होल्ड पे रखेंगे। ओ ये रहा एक हिस्टोरिकल मार्कर। सो मुझे थोड़ा बहुत पता है कि इस वाले के लिए हम जाएंगे इस एरिया के अंदर कहीं पे, तो वो कर लेंगे। उसके बाद होर्ड्स देखा जाए, वैसे मिलिट्री का इसके अंदर काफ़ी सही था, जो सब कुछ जला रहे हैं ना, उससे बेनिफिट तो है कि बाकी जगहों पे छः छः सात सात आठ आठ होर्ड्स हैं, इस वाली जगह पे सिर्फ तीन होर्ड्स हैं, लेकिन बहुत बड़े होर्ड्स हैं वो। ठीक है सो अभी तो और कुछ है नहीं, तो यार इसी के साथ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं बढ़िया बढ़िया कंटेंट डालता रहूँगा अपने चैनल पे, तुम भी उन्हें ज़रूर चेकआउट करना, और बाय चांस अगर तुम्हें लगता है मेरा कंटेंट बढ़िया है उसका जगह शेयर करो और आग की तरफ फैला दो। तब तक के लिए इतना ही, सायोनारा।